19 और 20 अगस्त को हुई भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से उत्तराखंड के लोगों के जख्म अभी सूखे भी नहीं हैं कि एक बार फिर राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। आज के छोटे से वीडियो में हम यही जानकारी देंगे ताकि राज्य के लोग अलर्ट हो जाएं और किसी भी तरह की आपदा से समय पर अपना बचाव कर सकें। दरअसल हिमालयी राज्यों के लिए भारी बारिश नुकसानदायक होती है। पिछले दिनों हुई भारी बारिश से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बहुत नुकसान हुआ था। दर्जनों लोगों की जान चली गई और संपत्ति को बहुत नुकसान हुआ है। अब एक बार फिर मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया है। यह येलो अलर्ट 5 दिन यानी 27 से 29 अगस्त के लिए जारी हुआ है, लेकिन 28 अगस्त और 29 अगस्त को भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 अगस्त को उत्तराखंड राज्य के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने के आसार हैं, जबकि अन्य जिलों में बिजली गिरने और तीव्र बौछार की संभावना है। इसी तरह 29 अगस्त को नैनीताल, चंपावत के अलावा पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि इन दिनों में लैंडस्लाइड हो सकते हैं, पहाड़ों से पत्थर गिर सकते हैं या रोड टूट सकती है, धारों, बंधेरों और नदियों पर जलस्तर बढ़ सकता है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी 28-29 अगस्त को किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर शेष सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में आपसे अपील है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और हिमालयी राज्यों, खासकर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के बारे में समय समय पर जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।